मैं कहती हूँ पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और फख्र से कहती हूँ और फेथ से कहती हूँ। क्यों कहती हूँ? हर चीज दो में बनी है, काला है सफेद है, दिन है रात है, गर्म है ठंडा है, मसला है तो हल है। जितने ज्यादा मसले उतने ज्यादा मौके। पाकिस्तान में जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं उतने ही ज्यादा मौके हैं। न्यूटन के सर पे सेब गिरा था तो उसने लॉज ऑफ ग्रेविटी दरियाफ्त किए। आपके सर पे सेब गिरेगा आप क्या करेंगे? ये कहेंगे कि कौन है या खा जाएंगे? अल्लाह ताला कहते हैं मैं तेरे ऊपर सेब बरसा रहा हूँ और तू उसको खा जाता है, ये नहीं देखता कि उसके अंदर लॉ ऑफ ग्रेविटी है या कोई लॉ है दरियाफ्त करने का। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयबिलिटी है। मेरे पास जो नौजवान आता है जॉब के लिए, उसको पहले क्या मुसीबत पड़ी होती है कि वो कितना तनख्वाह लेनी है, कितने इंसेंटिव्स हैं, कितने बोनस हैं, आप खाना खिलाती हैं, आप ट्रांसपोर्ट देती हैं। मेरे जो मसले वो हल तो नहीं करने आता, और मेरे क्या मसले, झाड़ू करने से लेकर सोशल मीडिया को चलाना, बिलबोर्ड्स लगवाना, इवेंट्स को मैनेज करना, क्लाइंट्स बनाना, प्रॉब्लम्स की कोई कमी है मेरे पास? लेकिन हर कोई अपनी धुन में आ रहा है। मेरा मसला क्या है कि पाकिस्तानी नौजवान दुनिया का बेहतरीन नौजवान है, लेकिन उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। मेरा कारोबार क्या है? नौजवान को ये एहसास दिलाना कि तुम मुख्तार बनो, खुद मुख्तार बनो, अपने पाँव पे खड़े हो। क्यों हमेशा किसी के ऊपर टेक लगा के सहारा लेके चल रहे होते हो? अपने को पहचानो, ये अनएम्प्लॉयबिलिटी बनती है। हमने क्या कर लिया है? सूट और टाइयाँ पहन ली, अच्छी अच्छी लट्ठे लटका लिए हैं, पायल अपने स्पाइक कर लिए हैं। मुझे अंदर का चाहिए, मुझे कोई परवाह नहीं कि आप सूट पहने, शॉर्ट्स पहने या नंगे आ जाएं। मैं इन चीज़ों को नहीं देख रही, मैं ये देख रही हूँ कि हम मिलके इस कौम का क्या कर सकते हैं, मुझे हल दो। गुर्बत इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ये सिर्फ एक पहलू है, एक जहनीत है, एक नजरिया है। अगर मुझे जरूरत पड़े झाड़ू भी लगवा लें, ड्राइवर बना लें। आपको पता है बड़े से आदमी के करीब सबसे कैसे आया जा सकता है? उसका शोफ़ेर बन जाए, यानी उसका ड्राइवर बन जाए, क्योंकि गाड़ी में सारी कॉल्स हो रही होती हैं, सारे दुख दर्द गाड़ी में निकल रहे होते हैं। आप ड्राइवर बन जाए, आपको सब सीखने को मिल जाएगा कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं। आप बर्तन धो सकते हैं किसी को, आप संडे बाजार को जाके गाड़ियाँ धोएं, मैं आपको बाल्टी देती हूँ, स्पंज साबुन मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, आप देखें आराम से महीने की आप वहाँ कमा सकते हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं, एक और गरीब की तालीम के लिए भी कर सकते हैं। हम क्यों नहीं करेंगे? पाकिस्तानी स्टूडेंट बाहर जब जाता है वहाँ तो रेस्टोरेंट में जाके बर्तन भी धो रहा होता है, टॉयलेट्स भी धो रहा होता है, यहाँ क्या मसला है? और फिर जॉब्स को देखिए, हम नैरो कितना कर देते हैं। अगर आपकी बेटी आपके पास आके कहती है अब्बू मुझे कसाई बनना है, आप क्या कहेंगे? हालांकि वो भी हलाल की कमाई, राम की नहीं, उसमें भी इबादत है क्योंकि कस्टमर सर्विस है, लेकिन आप उसको नहीं करने देंगे। किस लिए? इसलिए नहीं कि अल्लाह क्या कहेगा, इसलिए कि पड़ोसी क्या कहेगा, और एक कसाई लड़की से शादी कौन करेगा? ये हमारी इकदार की वजह से है। हमने इकदार किस चीज में डाल ली है? तीन चीजों में, SMS, सिक्योरिटी, मनी एंड स्टेटस। कहते तो हम बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब फैसला करने की वक्त आता है तो हम इन तीन चीज़ों पे फैसला करते हैं। जब हमें इनसे जान छूट जाएगी तो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। क्या यह कम दुख है, कम दर्द है? हर एक का हल एक जॉब है, एक करियर है, एक प्रोफेशन है। इस दर्द को समझो और तुम्हें राह खुद ही मिल जाएगी।